तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि रिलायंस जियो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन आने वाला है जो कि प्रॉपर एंड्रॉइड स्मार्टफोन होगा जो कि जियो की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। और इसे जियो ने अनाउंस किया था अपने एजीएम के थ्रू, एनुअल जनरल मीटिंग के थ्रू, कि आने वाले 10 सितंबर, अगले 10 सितंबर को जब गणेश चतुर्थी है तब ये फोन अनाउंस किया जाएगा, तब ये फोन एक्चुअली लॉन्च किया जाएगा और सेल पे भी उसी दिन चला जाएगा। लेकिन अभी रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे रिलायंस जियो की तरफ से, यहाँ पे प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि रिलायंस जियो की तरफ से आने वाला एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो कि गूगल के पार्टनरशिप के साथ में आने वाला था, ये अब थोड़ा डिले हो गया, लगभग आपको दिवाली के आसपास मिलने वाला है। तो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जब ये फोन लॉन्च हो जाएगा उस टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ सिनेरियो ऐसा बन के आ रहा है कि अभी ये गणेश चतुर्थी के टाइम पर लॉन्च ना होकर ये लॉन्च होने वाला है कुछ दिवाली के आसपास। तो दिवाली के आसपास इसका वीडियो मिलेगा, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि जो जियो फोन आपको आने वाला था जियो फोन नेक्स्ट के नाम से, जो कि एक प्रॉपर स्मार्टफोन होने वाला था, ये अभी डिले हो गया और अभी ये दिवाली के आसपास देखने को मिलेगा। तो बस ये था एक छोटा जानकारी आपको अपडेट करना था कि जियो फोन के लिए अगर आप इंतजार कर रहे थे तो थोड़ा और इंतजार आपको करना पड़ सकता है। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो, होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर जस्ट, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय गाइस।